हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्ज़ाम बी। दिस इज़ सोनल सकलानी। सो CWC के एग्ज़ाम में अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं आपके पास, लास्ट के डेज़ बचे हुए हैं। लास्ट के डेज़ में एक ही स्ट्रेटजी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाएँ, ठीक है। तो अभी जितना टाइम आपके पास बचा है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और इसी जो आपका लास्ट का फेज़ है प्रिपरेशन का, उसी में आपकी हेल्प करने के लिए आई एग्ज़ाम भी आपके लिए एक सीरीज़ लेके आया है, जिसमें हम अभी तक अलग अलग टॉपिक्स पे आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ के और जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे हैं तो जाके आप चैनल पर वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे बिकॉज आई एग्ज़ाम भी में हम 50% फास्टर पढ़ाते हैं, तो शॉर्ट आपकी वीडियो रहने वाली है और शॉर्ट वीडियो में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिलेबस में आप देख सकते हो क्या क्या आपके पास है और उसी के हिसाब से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़ अमंग द बफेलो ब्रीड्स। सो बफेलो की ब्रीड्स, कैटल की ब्रीड्स, जो पोल्ट्री ब्रीड्स हैं, ये सारी ब्रीड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं एग्ज़ाम्स में, अगर आपने देखे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जो मेहसाना ब्रीड है वो कैसे इवॉल्व की गई है। वो बेसिकली आपका जो क्रॉसिंग की जाती है उसके ज़रिए वो डेवलप की गई है। सो किस किस में क्रॉसिंग की गई है? ये क्रॉसिंग की गई है सुरती और मुर्रा में। ये मुर्रा, जैसे आपको पता ही होगा कि बहुत अच्छी हाई यील्डिंग, हाई मिल्क यील्डिंग एक ब्रीड है, तो उसी में से इवॉल्व किया गया है मेहसाना को, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपके लिए दिया गया है, इसके साथ आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उससे भी रिवाइज कर सकते हैं, आंसर्स उसी में मार्क कर दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज एन एडल्ट कमर्शियल चिकन ऑफ 21 to 72 weeks। सो यहाँ पर आपको ऑल द क्वेश्चन कुछ दूसरे ढंग से फ्रेम किया हुआ है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में दूसरे टाइप से क्वेश्चन आ जाए। ये आ सकता है कि जो लेयर होता है, लेयर को हम बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर लेइंग पर्पज़, यानी कि एग ले करने के लिए, ठीक है। जो जब हम मीट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो दैट इज़ द ब्रॉयलर। ब्रॉयलर इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। ब्रॉयलर होता है जो मीट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो वहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेयर हमारे लिए कमर्शियली कब डेवलप होता है, या कौन सी इसकी उसकी एज है जिसके जिस टाइम पे एज अ लेयर हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ 21 to 72 weeks ऑफ एज, दैट इज़ फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा जो और ऑप्शन हैं, ब्रूडर, ब्रूडर बेसिकली क्या होता है? ब्रूडिंग करने के लिए। ब्रूडिंग मतलब जब एग्स ले हो जाते हैं, एग लेने के बाद उसको थोड़े टाइम तक वार्म रखना पड़ता है ना, तो वो ब्रूडिंग वाला पीरियड होता है, ब्रूडर्स उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। रोस्टर होता है मीट पर्पज़ के लिए यूज़, जिसको रोस्ट करके खा सकते हैं, उसी से नाम यहाँ पर क्या आया है, रोस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ इनफर्टिलिटी इन मेल एनिमल्स। जनरली मेल एनिमल्स में इनफर्टिलिटी किस वजह से होती है, किसकी डेफिशिएंसी से होती है? सो दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। इसलिए विटामिन ई, सॉरी ए बोल दिया मैंने, विटामिन ई है इसका आंसर, ठीक है। सो विटामिन ई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी इन मेल एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द ब्रीड नोन एज द क्वीन ऑफ मिल्क ऑफ द गोट वर्ल्ड। सो गोट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो कि हाई प्रोडक्शन मिल्क का करने वाली कौन सी ऐसी ब्रीड है? सो दैट इज़ द सानेन, ठीक है। इसमें से एक बीतल ये जो ब्रीड है, इस पर भी क्वेश्चन एक बार आया था कि कौन सी ऐसी ब्रीड है जो डुअल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब मिल्क के लिए भी और मीट पर्पज़ के लिए भी, तो वो बीतल ब्रीड है, ठीक है। सानेन क्यों क्वीन ऑफ मिल्क ऑफ गोट वर्ल्ड है? क्योंकि इसमें हाई प्रोडक्शन होता है और परसिस्टेंटली ये यील्ड करती है मिल्क को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सुपीरियर क्वालिटी फाइबर दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा शीप। सो एंगोरा शीप से जो हम सुपीरियर क्वालिटी का वूल ऑब्टेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज द मोहेर, ठीक है। बाकी कश्मीरी जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट, आपने सुना होगा अलग अलग टाइप के वूल आते हैं ना, कश्मीरी वूल,
ये नाम से ही फेमस होते हैं ना, कश्मीरी वूल जहाँ पर होगा उसके अपने आप ही आप बोल सकते हो इकोनॉमिक वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये कश्मीरी जो शीप होती है उसमें से निकलता है, अंगोरा शीप से हमारा क्या है मोहेयर निकलता है। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन ऑफ अ गोट ब्रीड, अ गोट ब्रीड जिससे क्या मिलता है हाई क्वालिटी फैब्रिक्स नोन एज पश्मीना। पश्मीना तो बहुत ही फेमस है नॉट जस्ट इन इंडिया, इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर एक्सपोर्ट पर्पजेज, दूसरी कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट होता है पश्मीना की शॉल्स होती हैं, पश्मीना के इवन कारपेट्स भी बहुत बहुत हाई इसकी वैल्यू होती है। तो ये किस कौन सी एक ब्रीड से निकलती है, दैट इज़ द चांगथांगी ब्रीड, चांगथांगी ब्रीड, और इसका दूसरा नाम पश्मीना ब्रीड ही है। ठीक है, सो ये भी एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आया था। ये बहुत सारे इसमें से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हुए हैं आपके अभी तक एग्रीकल्चर के उनमें से लिए हैं। ठीक है, सो दिस वाज आल्सो आस्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेस्टेशन पीरियड इन काउ इज ऑफ हाउ मेनी डेज। तो जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जब ओव्यूल बन जाता है यानी कि सॉरी फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, एम्ब्रियो जब बन जाता है उसके बाद से जब पूरी तरह से एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो जाता है और उसका बर्थ नहीं हो जाता, उस उतने पूरे टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है आपसे काओ का, सो काओ का होता है अराउंड 279 to 283 डेज, बफेलो का होता है 310 डेज का। ठीक है, सो ये सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा शीप का है, वी हैव, ये है शीप का और ये है आपका गोट का। ठीक है, 152 डेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन गोट। सो लास्ट ईयर IBPS AFO में भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि पिग का पार्चुरेशन को क्या कहते हैं, या फिर कभी आ जाता है रैबिट में पार्चुरेशन को क्या कहते हैं। सो अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं उनका पार्चुरेशन भी पूछा जाता है, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो यहाँ पर गोट का आपसे पूछा गया है, गोट में जब पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है सो उसको किडिंग कहते हैं। ठीक है, किडिंग कहा जाता है। फैरोइंग किस में होता है, पिग में। लैम्बिंग किस में होता है, शीप में। ठीक है, और हैचिंग तो पोल्ट्री का है, दैट इज हैचिंग क्या होता है, जब एग हैच होने लगता है तो दैट इज द हैचिंग, तो पोल्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस इज़ द टेबल दैट यू शुड बी रेफरिंग टू, जब आपको कोई भी अगर टर्म है रिलेटेड इसी के तो आप इससे देख सकते हो कि क्या क्या आप कैटल में क्या क्या हमारे टर्म्स यूज़ होते हैं, बफेलो में क्या होते हैं, शीप में क्या होते हैं, गोट में क्या होते हैं, पिग में और हॉर्स में। तो ये PDF आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से पूरा रेफर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th, मिल्क। अब मिल्क भी एनिमल हस्बेंड्री से ही रिलेटेड है, तो कभी कभी मिल्क के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, मिल्क इज डेफिशिएंट इन, सो मिल्क में क्या क्या सफिशिएंट होता है, कंप्लीट फूड इसको कहा जाता है, जो भी हमारे यंग वंस होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिल्क। तो मिल्क में मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कौन सा डेफिशिएंट होता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और डेफिशिएंट इसमें क्या होता है, आयरन भी होता है और विटामिन सी भी होता है, बाकी और सारे जो विटामिन्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये दोनों जो मिनरल्स आप बोल सकते हैं मिनरल्स और विटामिन्स, ये डेफिशिएंट होता है। कैल्शियम तो बहुत अच्छे अमाउंट में होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज नेम द बफेलो, बफेलो की एक ऐसी ब्रीड जो कि कॉपर, लाइट कॉपर इन कलर है। अब देखिए, हो सकता है बहुत बार आपको ये चीज़ याद ना रहे कि लाइट कॉपर कलर की है या ब्लैक कलर की है या जेड ब्लैक कलर की है, वो कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारी ब्रीड्स सेम ही कलर के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्टिंक्टली क्या दिया गया है, हैव हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फैट इन मिल्क। सो यहाँ से आप बहुत ईजिली इसको आंसर कर सकते हैं, दैट इज़ द भदावरी, इसमें अराउंड 12% फैट होता है इसके मिल्क में। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये यहाँ से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज़ द करन फ्राइज ब्रीड। सो करन फ्राइज ब्रीड है एक, और एक करन स्विस ब्रीड है, दोनों ही कहाँ से डेवलप हुई है, NDRI से। अभी 2018 में IBPS AFO में क्वेश्चन पूछा गया था कि करन फ्राइज जो ब्रीड डेवलप हुई है वो कहाँ से डेवलप हुई है, तो वहाँ पर जो
इंडिया रहा आंसर था, लेकिन यहाँ पर हमने पूछा है आपसे कि ये किससे डेवलप की गई है, मतलब किस किस को क्रॉस करके आप डेवलप की गई है। तो करन फ्राइज जो है दैट इज डेवलप फ्रॉम थारपारकर, और दूसरा किससे, होलस्टीन फ्रीजन, क्योंकि फ्राइज है इसके नाम में तो होलस्टीन फ्रीजन आप वहाँ से गैस कर सकते हो। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था, करन स्विस जो है, करन स्विस किसके किस किस के क्रॉस से बनी है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, स्विस से तो आप लगा सकते हो एक बार को कि क्या ब्राउन स्विस इसमें एक होगा। ठीक है, दूसरा जो पेरेंट है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंडिजीनियस डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ कैटल, कैटल की ऐसी कौन सी ब्रीड है, यहाँ पर इवन फोटोग्राफ भी आपके लिए दी गई है कि कौन सी ऐसी ब्रीड है जो कि अपनी सवाई चाल, एक स्पेशल टाइप की चाल होती है इसकी, दैट मीन्स जब ये चलती है वो अलग ही आपको दिखाई देता है। इसको बेसिकली कहा जाता है कि वन स्टेप लेती है और फिर 1/4 स्टेप लेती है। तो ये डिस्टिंक्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, और किसका ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये कांकरेज का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आए सवाई चाल का तो आप सीधे कांकरेज पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड इन मिल्क सिंथेसिस, पहले तो मिल्क सिंथेसिस, और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेट डाउन ऑफ मिल्क, यानी कि टीट्स में जब मिल्क आ जाता है वो किस वजह से आता है। सो दो हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक तो होता है हमारा प्रोलैक्टिन, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और ये मिल्क के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि लेट डाउन ऑफ मिल्क करता है। ठीक है, सो ये दोनों ही इसमें इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट SNF। SNF क्या होता है, देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको याद करनी है, फैट परसेंटेज और SNF परसेंटेज। SNF इज सॉलिड नॉट फैट परसेंटेज। ठीक है, तो मिल्क में ये होता है, काओ मिल्क में अगर हम बात कर लें तो अराउंड 3-4% होता है, और SNF इसमें 8.5% अराउंड होता है, वेयर एज बफेलो में आप ये देख लो तो अराउंड 7-8% आपका फैट परसेंटेज होता है और SNF अराउंड 9% होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि सबसे हाईएस्ट SNF किस में पाया जाता है, तो ये होता है शीप के मिल्क में सबसे ज़्यादा SNF होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज प्रेग्नेंट काओ, जब काओ प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब उसके अंदर क्या है, एक फीटस डेवलप हो रहा है, अब इस टाइम पे उनको क्या चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, एक्स्ट्रा उसको खाना चाहिए, एक्स्ट्रा फीड चाहिए। सो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि उन्हें कॉन्सेंट्रेट कितना एक्स्ट्रा दिया जाता है, एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेट कितना दिया जाता है, तो वो होता है 1.5 kg पर डे एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेट दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है, अलग अलग एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वाइट लेग हॉर्न जो ब्रीड है एक पोल्ट्री की, वो किसके लिए फेमस है, दैट इज फेमस फॉर एग प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये एग लेयरिंग में काम आता है, ऑन एन एवरेज आप देख लो कि 280 पर ईयर ये एग लेइंग करता है, समटाइम्स इट कैन ऑल्सो रीच अप टू 300-320। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर हम रखेंगे एक ब्रॉयलर को, ब्रॉयलर क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, मीट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो मीट पर्पज़ के लिए जो ब्रॉयलर होता है उसको फ्लोर का स्पेस का रिक्वायरमेंट कितना होता है, दैट रिक्वायर्स अराउंड 1 square meter, या फिर वन स्क्वायर फीट का एरिया इसको चाहिए होता है। ठीक है, वेयर एज अगर हम देख लें लेयर्स को, लेयर यानी कि जो एग प्रोवाइड करती है, एग के लिए जिसको हम रेयर करते हैं, उनको 2 square feet का एरिया चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज फीमेल चिकन अंडर 1 year ऑफ एज, एक साल की एज से कम वाला जो फीमेल चिकन होता है उसको क्या स्पेशल टर्म क्या देते हैं। देखिए स्पेशल टर्म्स होते हैं पोल्ट्री में भी,
और साथ में अगर कैटल क्या भी आप पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत सारे स्पेशल टर्म्स होते हैं। कुछ तो मैंने आपको जो लिस्ट प्रोवाइड की है इसमें, उससे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको पोल्ट्री का पूछा गया है, तो पोल्ट्री में जो 1 ईयर से कम की एज का होता है उनको पुलेट कहा जाता है। ठीक है, रोस्टर ब्रूडर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कि जो होता है वो फाउल, गिनी फाउल जो होता है ना, उनमें ये टर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। एक कॉक्सिडियोसिस की एक बहुत आप बोल सकते हो डेडली डिजीज़ होता है पोल्ट्री में, जिसमें इनको डायरिया होता है और फिर इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। डायरिया भी क्या होता है, ब्लड निकलता है उस डायरिया में, और इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है कि इनकी ग्रोथ तो ऑलमोस्ट रुक ही जाती है, डेथ भी हो जाती है कभी कभी। ठीक है, सो ये किस वजह से होता है, देखिए इसमें भी क्या होता है, जो इसका वेस्ट होता है ना, जो भी डायरिया, जो डायरिया के थ्रू जो भी वेस्ट इनकी बॉडी से निकल रहा होता है, उसी के थ्रू क्या है, ये दूसरे जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनमें स्प्रेड होता है। तो ये किस वजह से होता है, दिस इज़ ड्यू टू द प्रोटोजोआ। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव। सो मिल्किंग की अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं। वी हैव द स्ट्रिपिंग मेथड, नकलिंग मेथड, मशीन वाला तो होता ही है, जिसमें मशीन लगा देते हैं डायरेक्टली टीथ्स पे और वहाँ से मिल्किंग हो जाती है। फिर फुल हैंड मेथड होता है। स्ट्रिपिंग मेथड में क्या होता है, ये फोर फिंगर और जो आपका थंब है वो यूज़ किया जाता है फॉर स्ट्रिपिंग। ठीक है, नकलिंग में क्या करते हैं, ये जो थंब है यहाँ पर आप देख सकते हो, थंब के बीच में और ये हैंड के बीच में यहाँ पर टीट्स को रखा जाता है और फिर वहाँ से मिल्किंग की जाती है। और फुल हैंड मेथड में तो पूरा जो हाथ है आपका वो यूज़ किया जाता है फॉर मिल्किंग पर्पज़। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जब हम थंब लगाते हैं अगेंस्ट द टीट्स, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको नकलिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। वी हैव क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे मेटिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, कि मेटिंग में देखिए एक मेल ब्रीड है, ठीक है, जिसको प्योर लाइन ब्रीड है और बहुत हाई आप बोल सकते हो हाई क्वालिटी की है, उसको जब हम मेट करवाते हैं विद एनी नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल। नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल यानी कि ऐसी कोई ब्रीड जो कि जिसका बहुत कोई डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जो लोकल ब्रीड्स होती हैं। ठीक है, तो उनको हमें जब हाई क्वालिटी का बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट की एक प्रोसेस करते हैं, उनको बार बार ब्रीडिंग करवाई जाती है, जो बहुत स्पेसिफिक आप बोल सकते हो स्पेसिफिक या हाई क्वालिटी के मेल्स होते हैं उनके साथ बार बार ब्रीडिंग करवाई जाती है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप का वैसे भी मतलब आप निकाल सकते हो, लिटरल मीनिंग क्या है इसका, कि ऊपर आप जब इस किसी भी चीज़ को सुपीरियर बना रहे हो या किसी भी चीज़ को आप बेटर कर रहे हो, तो उसको ग्रेडिंग अप कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आंसर ग्रेडिंग अप होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन है र्यूमेंस के स्टमक से। अब र्यूमेंस में हमें पता है कि चार तरह के इनके स्टमक होते हैं। फर्स्ट इज आर र्यूमेन होता है, ठीक है, र्यूमेन से रेटिकुलम में जाता है, फिर ओमेसम में और फिर एबोमेसम में। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ट्रू स्टमक कौन सा है, तो इनमें ट्रू स्टमक क्या होता है, एबोमेसम। और कौन सा सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है पूरे स्टमक का, दैट इज़ द र्यूमेन। और र्यूमेन ही एक ऐसा पार्ट है जहाँ सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, और र्यूमेन ही एक पार्ट है जहाँ से वो रीगर्जिटेशन भी कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल और नॉन प्रोडक्टिव एनिमल्स। तो पूरा एक हर्ड है, या फिर कोई अगर आप बोल सकते हो ब्रीडर नहीं सॉरी क्या कहेंगे हम, जो भी फार्मर है, एनिमल हस्बेंड्री जो कर रहा है, जिसके घर में लाइफ स्टॉक्स हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी अनप्रोडक्टिव आपके एनिमल्स हो जाते हैं उनको हटा देते हैं फ्रॉम द हर्ड। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, कलिंग की प्रोसेस से कहा जाता है। वीनिंग क्या होता है, वीनिंग होता है जब जो छोटा बछड़ा होता है ना, या फिर कोई गाय का बछड़ा हो गया या फिर कोई भी बच्चा हो गया, उसको जब माँ से हम अलग करने लगते हैं ताकि वो ज़्यादा दूध ना पिए, या फिर आप बोल सकते हो उसको धीरे धीरे अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको वीनिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 इज लाइवस्टॉक सेंसस. सो लाइवस्टॉक सेंसस कितने सालों में करवाया जाता है? ये करवाया जाता है हर 5 साल में एक बार. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ कैटल. एग्जॉटिक ब्रीड, इंडिजीनियस ब्रीड होती है हमारी. इंडिजीनियस ब्रीड्स में जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग हमारी ब्रीड है, दैट इज़ द साहिवाल. और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एग्जॉटिक ब्रीड्स में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड कौन सी होती है मैक्सिमम क्वांटिटी में, दैट इज़ द होल्स्टीन फ्रीजन. और इसीलिए इसको हमने ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज़ किया गया है ताकि हम नई ब्रीड्स बना सके. ठीक है, सो दीज वर दी 24 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चंस. आई होप आपको ये जो पूरा सेशन है ये अच्छा लगा हो. अगर आप ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आई एग्ज़ाम बी की साइट पे जाइए और फ्री में जो मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल करवाए गए हैं वो जाके अवेल कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन. अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.